नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजलता खुटेटा, नेत्र चिकित्सक, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम बात करेंगे दिवाली और दिवाली से रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स की। अभी हम पहले बात करते हैं तो दिवाली की सफाई की वजह से, कुछ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जैसे मौसम ठंडा हो रहा है या फिर प्रदूषण बढ़ने की वजह से अभी एलर्जी का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है। आई एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है। आई एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आँख का लाल होना, आँख में पानी आना, आँख में कुछ चुभन होना या फिर आँख में खुजली होना। इन सारी प्रॉब्लम्स के केस में ये एलर्जी की तरफ इशारा करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है, मोस्टली ये धुआं, धूल, धूप, इन सब की वजह से होती है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आप फिर भी धूप या डस्ट में जाते हैं तो कोई सेफ्टी गॉगल्स आपको यूज़ करने चाहिए या फिर सनग्लासेस पहनने चाहिए। अगर ये करके भी आपको एलर्जी में पूरा आराम नहीं आता है तो आपको रेगुलर वॉश करना चाहिए अपनी आईज़ को, या फिर आप कुछ ठंडी सिकाई जैसे कि रुमाल गीला करके आप आँख की पलकों पर रख सकते हैं, या कच्चा खीरा, अपना जो सलाद वाला खीरा होता है उसकी स्लाइस बना के भी आँख पे रख सकते हैं। ये टेम्प्रेरी रिलीफ आपको दे सकते हैं। बट अगर आपके सिम्टम्स रहते हैं तो आपको फिर किसी नेत्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आप प्लीज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब सीधे दुकान पे जाके दवा लेके डाल लें, वो सब नहीं करिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा कर ही लें। अब हम दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो प्रॉब्लम है पटाखे चलाते टाइम जो आँख में चोट लग जाती है, उस बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर पटाखे चलाते टाइम बच्चे पटाखे चला रहे हैं तो बड़ों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दें, बच्चे पटाखे बिल्कुल पास से जाकर नहीं जलाएं। पटाखे माचिस या अगरबत्ती से नहीं जलाने हैं, और अगर आप सेफ्टी गॉगल्स पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छा उपाय है। अगर इन सब बातों का ध्यान रख कर के भी आपको अगर आँख में चोट लग जाती है तो उस केस के अंदर आपको आँख को बहते हुए पानी से, साफ पानी से वॉश करना चाहिए। आप आँख को बिल्कुल भी ना मसलें, क्योंकि अगर आँख में चोट की वजह से बारूद या धुएं का कण या धूल का कण आँख में चला गया है और वो रगड़ने की वजह से आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आप घर में रखी कोई भी दवा नहीं यूज़ करें। हर दवा के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई दवा यूज़ नहीं करें। और सबसे अच्छा उपाय है कि जितना जल्दी आप किसी भी पास के नेत्र चिकित्सक को जाके दिखा सकते हैं, आप प्लीज़ उन्हें दिखाएं। देखिए, पटाखों की वजह से जो चोट लगती है, कई बार वो हल्की चोट होती है और कई बार वो बहुत डेंजरस भी होती है। आँख में हीरे का फटना, हीरे की एपिथीलियम का डैमेज होना, आँख में आपके सफ़ेद हिस्से को चोट लगना, आँख के लेंस में मोतियाबिंद का हो जाना या फिर आँख का रेटिना फट जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स पटाखों की वजह से हो सकती हैं। इसलिए प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप पक्के से किसी भी नेत्र चिकित्सक को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाकर दिखाएं। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। थैंक यू।